नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है बहुत ज़्यादा, जो कि एक नए ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जाते हैं या उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और आपको प्रोसेस नहीं पता है कि आप जो कि है टेस्ट देने वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएं या क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे चलता है, अगर वो प्रोसेस आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, उस वीडियो को जाके देख लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ वो है कि अगर आप जब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने जाते हैं तो आपको कैसे पता लगेगा आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं, और पास हो गए हैं तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना होगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले आपको लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ता है, वो आजकल सभी को ऑनलाइन मिल जाता है घर बैठे। पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको जाना होता है आरटीओ टेस्ट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आरटीओ के जाने के बाद, टेस्ट देने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना होगा उसकी डिटेल देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप आरटीओ पहुंच जाएंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट एक बार वहां सबमिट हो जाता है, आप टेस्ट ट्रैक पे आ जाते हैं, तो आपके पास जो कि कुछ इस टाइप का है, जो कि है एसएमएस आएगा, जो कि आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया होगा अपने ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन जमा कराते वक्त, आपके पास कुछ इस टाइप का जो कि है मैसेज आएगा। इस एसएमएस को पढ़ लीजिए दोस्तों एक बार। योर एप्लीकेशन नंबर दिस फॉर इशूइंग ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, और ये है जो कि हम लाइसेंस बना रहे थे, ये हम बना रहे थे मोटरसाइकिल विद गियर वाला। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो इसका मतलब दोस्तों ये है जो कि हमारा जो है कि ये एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो चुकी है। तो जैसी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी दोस्तों, आप जो कि ये ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए ट्रैक पे जाएंगे। ट्रैक पे जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों, उसके बाद होगा क्या कि आप टेस्ट दे देंगे, तो उसके बाद कई आरटीओ में होता है वहीं हैंड टू हैंड बता देते हैं आप पास है या फेल है। तो अब बात आती है उन दोस्तों की, जो फेल हो गया दोस्तों उनका किस्सा तो वहीं ख़त्म हो जाता है, उन्हें फिर से रीअप्लाई करके दोबारा टेस्ट देने आना पड़ेगा। तो आगे की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाते हैं आपको वहाँ पता चल जाता है, ठीक है, नहीं पता चलता है तो आपको ऑनलाइन चेक कर लेना है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन कैसे चेक करना होगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में है जो कि कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको न्यू टैब में ले जाके दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि पूरा समझ आए। आपको यहाँ पर सिंपली है जो कि सर्च कर लेना है एम परिवहन, इस टैब पर लिख के आ गया, आपको सिंपली इसे सर्च कर लेना है दोस्तों। अब जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक आ रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस टाइप का आपके पास डैशबोर्ड खुल के आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये जो डॉट दिख रहा है थ्री, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी इस पे जैसे ही हम आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर लेना है आपको। तो दोस्तों ऐसे ही आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है लाइसेंस मेन्यू, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आएंगे दोस्तों, एक आपको ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेशन स्टेटस, तो इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको भरना है जो कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भर लेना है, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है आपको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने सबमिट करा, हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस खुल के आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर नाम होगा आपकी, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, और देखिए यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ आप नीचे आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका एक होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ये देखिए फीस पे हम यहाँ पे आप आ जाइए सीधा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ये आ गया है, और रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ये देखिए यहाँ पर है, इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड टेस्ट रिजल्ट फॉर ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीटेड, ये देखिए यहाँ पर हो गया है कंप्लीटेड, ये सब कुछ जो कि है कंप्लीटेड हो चुका है दोस्तों। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया वन अटेम्प्ट में, और ये देखिए रिजल्ट आ गया यहाँ पर पास। तो इस यहाँ से पता लग गया दोस्तों कि आप जो कि टेस्ट में पास हो चुके हैं। और जैसे ही आप टेस्ट में पास हो जाएंगे दोस्तों, आपके पास है जो कि कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके दिखने लगेगा, और आपको सिंपली फिर से आ जाना अपने मैसेज वाले पेज पे।
तो देखिए दोस्तों, हम फिर से मैसेज वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर देखिए फिर 1 घंटे बाद लगभग एक मैसेज आता है हमारे पास, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो ड्राइविंग लाइसेंस हमारा नंबर ये आ गया है इशूड, मतलब जो कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है जो कि इशू कर दिया गया है। हम चाहे तो इसे वर्चुअली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम डिजी लॉकर से फ्रेंड्स जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो अब हम चलते हैं अपने डिजी लॉकर पे और देखते हैं कि हमारा जो कि है ये इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं सीधा अपने डिजी लॉकर पे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली अपने फ़ोन में जो कि प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है डिजी लॉकर। तो वैसे सभी लोग डिजी लॉकर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ज़्यादातर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड रखते हैं। तो अगर पहले से डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ सिंपली ओपन कर लीजिए दोस्तों। और ओपन करने के बाद दोस्तों डिजी लॉकर की जो कि है एक आईडी बनती है, वो आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से बनती है ओटीपी के थ्रू। अगर आपने पहले से नहीं बना रखे तो उसे बना लीजिए। और हम आ गए हैं यहाँ पर डिजी लॉकर के इस पेज पे। तो अब दोस्तों करना ये होगा, आपको यहाँ पे से एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको सिंपली यहाँ डॉक्यूमेंट सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको DL ऐसे लिख लेना है। जैसे आप लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस ये लिखा हुआ आ गया, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे आधी डिटेल है जो कि आपके जो कि आधार कार्ड के द्वारा है, वो अपने आप ऑटोमेटिक फैच हो जाएगी यहाँ पर। अब आपको सिंपली है जो कि यहाँ पर अपना जो कि है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो आपको SMS में अभी मैंने दिखाया था, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है दोस्तों। आप देख के भी लिख सकते हैं, चाहे तो उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो कर ले दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे जो कि क्लिक कर लेना है। तो हम फटाफट से अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल देते हैं और गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस फैचिंग, पर इशूड वाले डॉक्यूमेंट में आ चुका है। देखिए इस पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए हमारा जो कि है डिजी लॉकर में जो कि ये हमारा आ चुका है, देखिए वेरीफाइड बाय डिजी लॉकर। यहाँ आपकी फ़ोटो होगी, आपका एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पर आपकी मेंशन होगी। तो इस तरीके से जो कि आप ऑनलाइन अपना जो कि आधार कार्ड डिजी लॉकर में दिखा सकते हैं दोस्तों। और ये फुल्ली वैलिड है डॉक्यूमेंट, आप इसे चाहे तो पुलिस को दिखा भी सकते हैं, अगर आपको पुलिस रोकती है तो। ये फुल्ली वैलिड डॉक्यूमेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पे आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, तो समझ जाइए आपका जो कि है अब डॉक्यूमेंट आपका जो कि है बन चुका है दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों बात आती है आपके घर पे कैसे आएगा वो। तो देखिए दोस्तों हमारे पास तो जो कि है डिजी लॉकर पे आ गया था, 4 से 5 घंटे में डॉक्यूमेंट आ गया था टेस्ट देने के बाद। और उसके बाद दोस्तों एक मैसेज आया हमको जो कि शाम को आया, लगभग 4 से 5 बजे के करीब, मतलब मान लीजिए टेस्ट देने के 8-10 घंटे के अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा एक जो कि है मैसेज आया है, यहाँ पर हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ हैज़ बीन प्रिंटेड ऑन 28/12/2022 एंड इट कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग नंबर। तो दोस्तों हमारा जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दिया गया है, जो कि RTO द्वारा भेजा गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर भी दे दिया गया और यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर अबाउट 3 डेज, यानी कि लगभग 3 से 4 दिन के अंदर है जो कि हमारे को अपना जो PVC कार्ड होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो हमें मिल जाएगा पोस्ट के माध्यम से। तो ये सारा प्रोसेस होता है दोस्तों आपका टेस्ट देने के बाद, कि उसके बाद क्या करना होगा और क्या ऐसे कार्ड मिलेगा। और लगभग ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग जाता है दोस्तों, किसी किसी एरिया में 2 से 3 दिन में मिल जाता है पोस्ट, किसी किसी जगह पे हफ्ता भर भी लिख जाता है। वो आपके वहाँ की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वहाँ की पोस्टल सर्विस कैसी है। पोस्टमैन सही होगा तो जल्द से जल्द आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे पहुँच जाएगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। अगर और कोई इशू आता है या फिर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने 2 से 3 वीडियो पहले प्रिपेयर करके चैनल पर डाल रखी है, वो देख लेना जाने से पहले, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। और आज के वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली हो फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो, तो एक वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।